राम राम जी सारे ने, मैं हूं थारी गेला कुलदीप के और थारा सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और इससे मैं एक बड़ी खबर के साथ लाइव हुए है। बड़ी खबर आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसराड़ा हल्के के आजाद उम्मीदवार है राकेश सरोहा सापुर वाले, और इन्होंने हर हफ्ते धुमा ठा रखा है। और इस समय हमें इसराड़ा हल्के के गांव सिठाना में मौजूद है। और सिठाना गांव की जो मैं एक खासियत बताऊं, ये रिफाइनरी के नजदीक है। और इस गांव में जब हम घूमे तो काफी पिछड़ा इलाका जो हमें नजर आया। गांव की सड़कों का बुरा हाल है और राकेश सरोहा यहाँ पहुंचे है। राकेश जी, गांव की सड़क देख लिया आपने, आपकी गाड़ी भी घूम रही थी चारों तरफ, क्या कुछ देखा ना यार? गांव की सड़क अड्डे से यहाँ तक मंदिर तक आए ही, मंदिर थी सड़क टूटी पड़ी है। ये तो सरकार ने देखनी चाहिए, भाई सरकार इतने बड़े वादे करती है, हमने इतनी सड़कें, हमारा परिवहन मंत्री था दो पीछे, अब एक दो दिन होली बोल रहा था अग भाई मैंने तो 70 करोड़ की सड़कें बनवा दी है हल्के सराने में, हमने तो कोई कहीं ऐसी लग नहीं रही वो 70 करोड़ की सड़कें बनवा गए थे 70 करोड़ रुपए। वो उन्होंने पता होगा, वो झूठे वादे करते हैं, उनका काम ही झूठ बोलना है, झूठ बोलते हैं लोगों को गुमराह करते हैं और वोट लेते हैं। अब की बार हमारी जनता ना तो गुमराह होने वाली है ना उनके बहकावे में आने वाली है। अच्छा, आप भाषण दे रहे थे, मुखर्जी नगर का जिक्र हो रहा था, करोड़ों की जमीन है वहाँ, क्या बात, वहाँ प्लाट प्लूट कटवाओगे? करोड़ों की जमीन नहीं, वहाँ जो हमारे बच्चे कोचिंग लेने जाते हैं, जो उनके जो गरीब गांव है हमारा, जिनके पास 20-25 हजार महीना खर्चने की क्षमता नहीं है, उनके बच्चों को हम अपना कोचिंग सेंटर इसराना या मतलोडा बनाएंगे, उनके बच्चों को फ्री कोचिंग दवाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे गरीब बच्चे परिवार के पढ़े और ज्यादा से ज्यादा नौकरी पाए। मतलब बात है, पढ़ेगा इंडिया तो जब बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, और क्या वादे रहे हैं? जैसे मैं गांव के बड़े बुजुर्गों से बात कर रहा था, जैसे हमारी माताओं बहनों को कॉलेजों में जाने के लिए असुविधा होती है, तो क्या कुछ वादे करे आपने? हमने तो वादा एक बस का किया है इनसे, अगर आप लोग विधायक बनाते होने जो आपके स्कूल जो लड़कियां जो कॉलेज में जाती हैं, पानीपत जाती हैं, कोई करनाल जाती हैं, उनके लिए बस का प्रावधान करना, वो पहले महीने से आपकी बस का प्रावधान किया जाएगा। हम कृष्ण कुमार की तरह इतने झूठ तो बोलते नहीं, घने पड़े ना तो वादे करता और ना मैं सहन करता इनकी तरह। रिफाइनरी भी नजदीक है, रोजगार तो वहाँ भी हो सकता है, लाखों की संख्या में लोग काम करते रिफाइनरी के अंदर। इस गांव के आपने बड़े बुजुर्गों से बात करी हो, कितने लोग काम कर रहे हैं? ऐसा वो जो काम कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ गरीब आदमी मजदूरी का काम कर रहे हैं, छोटे मोटे ठेकेदारों के पास। जब हमारे बच्चे यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, हमारे गांव की यहाँ जमीन भी नहीं जा रही, को हम ऐसा प्रावधान करते भाई हमारे गांव की जमीन जा रही तो हमें हमारी मजबूरी है भाई हमारे इतने बच्चों को नौकरी दो, वो भी नहीं कह सकते। तो हमारे पास तो एक ही प्रावधान है, हम यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाए और इनके साथ टेस्ट में कंपटीशन में बिठाए और हमारे बच्चे अब्बल जाए तो रिफाइनरी क्या, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे बच्चे लगाने पड़ेंगे। रिफाइनरी के कारण परेशानी बहुत होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, जैसे अंकल का देखो मोतिया हो रहा है, और ज्यादातर मोतिया की बीमारी ज्यादा होती है क्योंकि एयर पोल्यूशन का रहा है। तो मेरा निवेदन ये होगा जी, कैंप कुंप भी लगवाओ यहाँ पे। हाँ, जो ये ऐसी बात है तो आपके गाँव में कैंप लगवा दिया जाएगा, जो आपकी आंखें चेक करवाई जाए और को जो छोटे मोटे जो टेस्ट है, ये सबका प्रॉब्लम है जी, जो माने गया इसकी गैस जो है ना, ये सबको प्रॉब्लम है यार। ठीक है, आपके गांव में कम। हाँ, भाई साहब ने तो बोल दिया, अगर विधायक बनते हैं ना, जैसे एक साल के अंदर आपके मतलोडा इस राणा में 100 बेड का अस्पताल भी बनवाया जाएगा। ये तो भाई साहब ने अभी बोला है, 100 बेड का आपके हेल्थ के बारे में पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, और बच्चों के एजुकेशन का, और बच्चों ये महिलाओं के आने जाने की बस की सुविधा, ये भाई साहब ने वादे कर रखे हैं, ये हम पूरे करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हो आप, गांव सिठाना के बड़े बुजुर्ग है, और गांव की धरती पर जब जाते हैं, किसी भी धरती पर जाते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। तो राकेश सरोहा जी ने भी आज सिठाना गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लिया है। देखना ये होगा 2024 में जब राकेश सरोहा विधानसभा में आएगा तो कितने काम होंगे। तो आप सभी साथियों को नमस्कार, ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहे और हम भी लोगों की आवाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जिंदाबाद।